मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश में जारी सीएमआईई की रिपोर्ट को लेकर कहा कि ये इस बात की पुष्टि करती है कि राज्य सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिससे प्रदेश के 70% युवा प्राइवेट अथवा सरकारी सेक्टर के रोजगार में स्थान ले सके, ये उनका विजन था। पटवारी ने कहा था कि सीएम कमलनाथ का विजन था कि प्रदेश के युवाओं को स्किल को लेकर आत्मबल और आत्मसम्मान कैसे मिले, कैसे उन्हें स्किल लेस किया जाए और ऐसे सिलेबस हों जिसे प्रदेश के बच्चों को रोजगार से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री अपने अनुभवों और अपने संबंधों का लाभ मध्य प्रदेश को देने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री पटवारी ने कहा कि हम सकारात्मकता से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं। ये चिंता एक परिवार की है, समाज और देश की है कि बेरोजगारी हम कैसे घटाएं। इसमें लाभ हानि और राजनीतिक द्वेष भाव की बात छोटी मानसिकता की परिचायक है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ऐसी छोटी मानसिकता से बचें। सबसे पहले तो जो रिपोर्ट आई है, मैं मानता हूँ इस बात को, ये कमलनाथ जी की कार्यकुशलता, उनका व्यक्तित्व और जो देश की चिंता है, वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की चिंता है, वो है आज के हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, उनको काम कैसे मिले और परिवार में सुकून कैसे पहुँचे। और मैं मानता हूँ इस बात को कि सीआईएमई की रिपोर्ट इस बात का द्योतक है कि मध्य प्रदेश सही दिशा में काम कर रहा है, उसकी सरकार काम कर रही है, कमलनाथ जी का विजन काम कर रहा है। आप देखो कि उनका फोकस था कि उन्होंने पहली बार आके ये कहा कि ये हम कानून लाएंगे कि 70% मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार स्थानीय स्तर पर हर सेक्टर में, चाहे प्राइवेट हो या सरकार का हो, उस पर मिलना होगा। ये विजन था उनका कि हमारे बेटे बेटियों को स्किल को लेकर आत्मबल कैसे दिया जाए, आत्मसम्मान कैसे मिले उनको, स्किल से लेस कैसे किया जाए, ये उनके एक विजन का पार्ट था। उनका एक विजन था कि हमारे बच्चे और बच्चियों को ऐसे कैरिकुलम, ऐसे सिलेबस कैसे तैयार हो जिससे उनको रोजगार से मिल के जोड़ा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके ट्रस्ट जो अभी इन्वेस्टर को बुलाया गया इंदौर में, और एक भरोसा, एक विश्वास, एक कमलनाथ जी का जितना पिछले पूरे जीवन का लाभ मध्य प्रदेश को, उनके अनुभव का, उनकी कार्यशैली का, उनके संबंधों का देश भर में और विश्व भर में जो उनने बनाया, उनका कैसे मध्य प्रदेश को मिले, इस विजन को लेकर वो पे करने लगे हैं। और यही आधार रहा कि हमारी जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश की वो 4.2% हुई 7% से। अब सवाल विपक्ष का है, अगर वो ये बात करते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि जिससे कि ये सवाल उनको उस रिपोर्ट जिस एजेंसी ने जारी की उससे भी पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि हम सकारात्मकता से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस और बीजेपी के भाव से नहीं, राजनीतिक भाव से नहीं, ये चिंता है एक परिवार की, एक समाज की, इस देश की, कि बेरोजगारी कैसे हम घटाएं। और इसमें मैं समझता हूं कोई लाभ हानि की बात या राजनीतिक द्वेष भाव की बात या इस तरह की बात छोटी मानसिकता का परिचायक है। नरोत्तम मिश्रा जी, छोटी मानसिकता से बचो। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।